सिरसा से निर्दलीय विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा के गुरुग्राम ठिकानों पर आज सुबह से ही ईडी की रेड चल रही है। आज सुबह करीब 6 बजे ईडी की टीमें गोपाल कांडा के ठिकानों पर पहुंची और रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि मामला आय से अधिक संपत्ति का है और गोपाल कांडा और उनका परिवार सिविल लाइंस के निवास स्थान पर मौजूद है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी उनसे गहनता से पूछताछ भी कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ईडी के अधिकारी गोपाल कांडा के सिविल लाइंस के निवास स्थान और कांडा के MDLR ऑफिस में रेड को अंजाम देने में लगे हुए हैं। वहीं इस रेड पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस के पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि ये अंदर की बात है। गोपाल गोयल कांडा के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको? अंदर की बात है, लक्ष्य जो बनिया नहीं है उसमें आता है, तो अंदर की बात है, तो इनके अंदर की कोई बात होगी? कोई गोपाल गोयल कांडा के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको? अंदर की बात है, लक्ष्य जो बनिया नहीं है उसमें आता है, तो अंदर की बात है, तो इनके अंदर की कोई बात होगी? कोई बता दें कि गोपाल कांडा सिरसा से निर्दलीय विधायक हैं और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो हैं। गोपाल कांडा ने प्रदेश भाजपा सरकार को समर्थन भी दिया हुआ है। तो वहीं गोपाल कांडा हाल ही में गीतिका हत्याकांड के आरोपों से बरी भी हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से निर्जय वशिष्ठ की रिपोर्ट।